हाय एवरीवन, आपका मेरे चैनल शिविलिफेस्टाइल में बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी कि हम घर पर ब्रेड से पिज़्ज़ा कैसे बना सकते हैं, वो भी बहुत ही इजी तरह से। सो गाइस, मुझे कुछ इंग्रेडिएंट्स लेने हैं, जैसे कि मैंने ली हुई है मटर, पनीर और टमाटर और प्याज और हरी मिर्च। ठीक है गाइस, सो हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और जो कि हमारे घर पे इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इन प्याजों को, मतलब इस अनियन को हमें कट करना है, वो भी बहुत छोटे साइज़ में। सो देखिए मैं कैसे कट कर रही हूँ। तो मैं धीरे धीरे इन सारी अनियंस को कट कर लूँगी और उसके बाद में मैं सारी वेजिटेबल्स कट कर लूँगी, जैसे कि इसमें टोमेटो भी है उसको भी मैं कट कर लूँगी, ग्रीन चिली है उसको भी कट कर लूँगी। सो गाइस, धीरे धीरे मैं सारा जो वेजिटेबल है मेरे पास में उनको मैं सबको कट कर लूँगी। तो इस चॉपर की हेल्प से हम अच्छी तरह से अपने पनीर को चॉप कर लेंगे। तो क्या मतलब उसका, जैसे कद्दूकस होता है उसी तरह से हम इसको कद्दूकस कर लेंगे इस पनीर को। और क्योंकि ये जो मिक्सचर हम तैयार कर रहे हैं वो हमारी ब्रेड के लिए है सारा का सारा। सो देखिए मैं जल्दी जल्दी से इसको कर लूँगी। उसके बाद में मेरे इसमें छोटी सी बाउल लगी हुई है नीचे, सो उसमें सारा का सारा पनीर आ जाएगा। काफ़ी क्वांटिटी में देखिए इस बाउल में हमारा पनीर आ चुका है। सो गाइस, हमारा जो ये मिक्सचर है वो हम रेडी करेंगे। सो चलिए बनाते हैं इस मिक्सचर को। और ये पनीर देखिए आप कितनी अच्छी तरह से किस गया है। अब मैं इस ब्रेड के पैकेट को ओपन करने जा रही हूँ। और जो ब्रेड मैं आज यूज़ करने वाली हूँ वो है ब्राउन ब्रेड, और ब्राउन ब्रेड बहुत ज़्यादा अच्छा होता है बिकॉज़ ये आटे का होता है और काफ़ी अच्छा होता है वाइट ब्रेड की अपेक्षा, क्योंकि जो वाइट ब्रेड होता है वो मैदे का होता है। सो गाइस, हम लोग यही वाला ब्रेड यूज़ करते हैं अपने खाने में। सो सबसे पहले मैं एक प्लेट लूँगी जिसमें कि मैं दो ब्रेड के स्लाइस रख लूँ। तो उसके बाद में मैंने ये चटनी बनाई हुई है जो कि मैंने घर पर बनाई है। इसमें है लहसुन, अदरक और थोड़ा सा जो वो करी पत्ता होता है वो, और ग्रीन चिली। सो गाइस, मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्सचर में मिक्स कर लिया था। उसके बाद में मैं इसको पेस्ट की तरह लगा रही हूँ ब्रेड में। देन उसके बाद में देखिएगा मैं क्या करती हूँ, पर मैं दोनों साइड से लगा लेती हूँ दोनों ब्रेडों में। उसके बाद मैं डालने वाली हूँ उसमें अनियन, थोड़ा थोड़ा ही डालूँगी। एक्चुअली क्या है कि मुझे ज़्यादा ही वेजिटेबल्स अच्छा नहीं लगता है, सो मैं अपने लिए बना रही हूँ, इस वजह से आप अपने स्वाद के अनुसार कैसा भी डाल सकते हो। सो मैंने इसमें टमाटो, रेड चिली और अनियन डाला है। उसके बाद में मैंने पनीर भी डाला हुआ है इसमें। और अब मैं डालने वाली हूँ इसमें मटर, जो कि मैंने पहले से बॉईल करके रख ली थी। तो चलिए इसमें मटर डाल लेते हैं। अब गाइस, मैं यूज़ करने वाली हूँ चीज़ की जगह मैं इसमें यूज़ करूँगी मेयोनीज़। तो अगर आपको चीज़ अच्छा लगता है आप चीज़ यूज़ कर सकते हैं, मेयोनीज़ अच्छी लगती है मेयोनीज़ यूज़ कर सकते हैं एज़ यू विश गाइस। तो गाइस, हमारा ये ब्रेड रेडी हो गया है। तो चाहे तो आप इसमें ऊपर से ब्रेड लगा के आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं, क्योंकि इसमें सारी बॉयल चीज़ें पड़ी हुई हैं। और अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। उससे पहले मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूँगी, आपके स्वाद अनुसार आप इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद में मैं थोड़ा सा काला नमक डालूँगी, थोड़ा सा फ्लेवर के लिए एक्चुअली हो जाता है, ये टेस्ट अलग सा आ जाता है इस वजह से। अब मैं उसके बाद डालने वाली हूँ उसमें काली मिर्च। ये सारी चीज़ें फ्लेवर के लिए हैं, काफ़ी अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है इसमें इस वजह से।
इसमें मैंने सारी चीज़ें डाल ली हैं। अब दूसरे ब्रेड को भी मैं इसमें लगा दूंगी। उसके बाद मैंने पैन लिया है, उसमें मैं अपना ये अमूल बटर यूज़ करने वाली हूँ। और मैंने ये क्यूब वाला बटर, मुझे ज़्यादा पसंद है एक्चुअली। इसको ऐसे ही कट करके तुरंत डाल देते हैं इस वजह से, और जितना भी आपको यूज़ करना होता आप उन हिसाब से ले लेते हो। तो देख लीजिए, मैंने इसको लो फ्लेम में अभी रखा हुआ है और इस पैन में मैंने इसको डाल दिया है। अब थोड़ा सा मैं इसको गर्म होने दूँगी, देन उसके बाद में मैंने जो अपना वो ब्रेड का पिज़्ज़ा बनाया है उसको डालूँगी मैं। तो आप इसको पिज़्ज़ा बोल सकते हैं, सैंडविच बोल सकते हैं आप, क्योंकि इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स वही हैं और इजीली घर पे चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं आपको, तो आप इसको किसी भी तरह से खा सकते हैं। तो ब्रेड अच्छी तरह से सिक रही है और मैंने लो फ्लेम में ही रखा हुआ है। एक्चुअली लो फ्लेम में क्या होता है, अच्छी तरह से सिक जाती है। तो देख सकते हैं आप, ये अच्छी तरह से सिक चुकी है। उसके बाद में अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। गाइस, इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, अगर आप भी घर में ट्राई करना चाहते हो ज़रूर ट्राई करो, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी ये। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। उसके बाद में मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ कितना ज़्यादा यम्मी लग रहा है ये। फ्रेंड्स, आप इसको एज अ पिज़्ज़ा भी इसको रख सकते हैं, एज अ सैंडविच भी रख सकते हैं। तो जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगी, देखिएगा बहुत ही ज़्यादा यम्मी लग रहा है, और आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा इसको। और मैंने काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें डाली हुई हैं इसमें, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं और ईज़िली आपके घर में भी अवेलेबल हो जाती हैं। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।